फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, जो है ये उड़द की दाल के दही बल्ले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको झटपट बनने वाली इमली की चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है। अब चलते हैं इन दही बल्लों को बनाने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक कटोरी उड़द की दाल को ओवरनाइट सोक करके रखा था। ये देखिए, ये साइज में भी थोड़ी डबल हो गई है और ये फूल भी गई है। उड़द की दाल को एक से दो बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम लेंगे मिक्सी ग्राइंडर और उसमें दाल ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े पानी की तो हम इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी। नॉर्मल पानी हमें नहीं ऐड करना है इसे ग्राइंड करते हुए। फ्रेंड्स, अगर हमें पानी की नीड पड़े तो आप इसमें 2-4 टेबलस्पून ही पानी ऐड करें। यहाँ पर भी हमने 2-4 टेबलस्पून ही पानी ऐड करा है, बहुत थोड़ा सा पानी ही हमें ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका स्मूथ थिक पेस्ट बनके तैयार हो गया है, लग रहा है ना एकदम व्हिप्ड क्रीम जैसा। अब हम इसे एक बार चम्मच से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए कुछ हमारा बैटर। ये देखिए, एक बड़े बर्तन में, यहाँ पे हमने इसे एक परात में निकाल लिया है क्योंकि हमें इसे फेंटना है। फ्रेंड्स, आप साफ हाथों से इसे एक डायरेक्शन में फेंटें। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज फेंट रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही फेंटें, अगर आप क्लॉकवाइज फेंट रहे हैं तो क्लॉकवाइज फेंटें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बैटर में बबल्स आ जाएं, एयर बबल्स। अगर हम इसे उल्टे डायरेक्शन से घुमाएंगे तो हमारे एयर बबल्स नहीं आएंगे, वो सब हट जाएंगे। तो हमें एक ही डायरेक्शन में इसे लगातार घुमाना है ताकि इसमें एयर बबल्स आ जाएं। फ्रेंड्स, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी लेकिन खाकर इससे आपका मन खुश हो जाएगा। हमने इसे 15 मिनट फेंट लिया है। इसे चेक करने के लिए कि हमने इसे परफेक्ट फेंटा है या नहीं, तो हम एक कटोरी पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा ये डाल के देखेंगे। अगर ये फ्लोट करेगा मतलब इसमें एयर बबल्स आ गए हैं और ये जो हमारा बैटर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब जो ये हमारा बैटर है उड़द दाल का वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें एयर बबल्स भी आ गए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च को फाइनली चॉप कर लिया है ताकि इसमें एक बाजार जैसा बहुत अच्छा फ्लेवर आए। और ये हमने थोड़ा सा नमक ऐड करना है इसमें, बहुत थोड़ा सा। ये देखिए, ये डालने के बाद हमने इसमें ऐड करा है 1/2 टेबल स्पून जीरा ताकि इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाए। इसे मिलाने के बाद हम इसे छोटे छोटे बॉल्स बनाते हुए गर्म ऑयल में डालेंगे। हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम के बीच में तलेंगे। अगर आप अपने दही बल्लों के बीच में ड्राई फ्रूट्स रखना चाहते हैं जैसे कि किशमिश, तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक, जीरा डाल दिया है ना, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम अपनी कढ़ाई की जगह के हिसाब से इसमें दही बल्ले ऐड करेंगे ताकि उन्हें मूव होने की जगह मिल सके। फ्रेंड्स, देखिए, तेल में जाते ही हमारे दही बल्ले खुद मूव करने लग गए। ये एक इंडिकेशन है कि हमारा बैटर बहुत अच्छे से फिटा हुआ है और हमारे दही बल्ले बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। तो हम इनका जब तक कलर थोड़ा सा गोल्डनिश नहीं आ जाएगा तब तक इन्हें डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, हम इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे भी। फ्रेंड्स, अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। फ्रेंड्स, हमने एक बैच तो तैयार कर लिया है और कितने अच्छे लग रहे हैं ये।
इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने गुनगुना पानी लिया है, हमें पानी इतना गुनगुना लेना है कि हम उससे अपनी उंगली डाल सके। देखिए फ्रेंड्स गुनगुने पानी में हम अब थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए नमक हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, ताकि भल्लों के अंदर हींग का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ सके। ये देखिए और हींग तो वैसे भी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो हम इसे डिसॉल्व कर देंगे एक बारी और इसमें अपने सभी दही भल्लों को ऐड करेंगे। ऐसा करने से दो फायदे हैं, एक तो जो हमारे दही भल्ले हैं उनमें एक्सेस ऑयल नहीं रहता। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट दही भल्ले हमारे बनते हैं, ये देखिए क्या जाली आई है इनमें, बिल्कुल मार्केट जैसी, थोड़े गर्म हैं अभी ये देखिए। हम सही हुई दही भल्लों को पानी में डाल देंगे, इससे इसका सारा तेल भी निकल जाएगा और जो हमारे दही भल्ले होंगे वो रूई से सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी इमली ली है जिसे, ये देखिए, और यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा गुड़, हमने बेलन की हेल्प से थोड़ा सा तोड़ लिया है कि ये देखिए, ताकि इसे हमें मैश करने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पर हमने इसमें ऐड करा है एक ग्लास पानी और इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमें इसे चलाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे ना चिपक जाए। देखिए अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए, और एक चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर यानी कि रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, और यहाँ पे हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच ही काला नमक जिससे हमारी चटनी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसे एक बार मिला लेंगे। हम स्ट्रेनर में इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स देखिए 5 से 6 मिनट में हमारी इमली की चटनी बनके तैयार हो जाएगी। सारे पल्प को हमें थोड़ा सा ऐसे चलाते रहना है ताकि इसका अच्छे से इसमें से निकल जाए चटनी। फ्रेंड्स इंस्टेंट बहुत ही टेस्टी बढ़िया चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है इमली की। देखिए आप करते हैं अपने दही भल्लों को असेंबल। ये देखिए यहाँ पे हमने ली है अपनी इमली की चटनी जिसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी शेयर कर दी आपके साथ अभी अभी। यहाँ पे हमने लिया है अपने घर का दही जिसे हमने थोड़ा सा फेंट लिया था, थोड़ा सा चीनी का पाउडर डाल के ताकि उसमें मिठास आ सके वो बाजार वाली। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे फेंट लिया है थिक करके। और यहाँ पे हमने ली है ग्रीन चटनी जिसकी रेसिपी हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं और पनीर पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा वाली रेसिपी में भी शेयर कर चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम निकलेंगे प्लेट, थोड़ा मार्केट वाला लुक है इसलिए हमने ये वाली प्लेट ली है। फ्रेंड्स इन्होंने पानी अब्सॉर्ब कर लिया है और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इन्हें साफ हाथों से लाइटली स्क्वीज करेंगे, मतलब हल्के हाथों से हम इसे स्क्वीज करेंगे, टाइटली हमें इसे स्क्वीज नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसे एक स्क्वीज करके रख दिया है, हम आपको एक करके भी दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और बहुत लाइटली हमें इसे स्क्वीज करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। इसी तरीके से हम सभी को तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी जो थे उन्हें तैयार कर लिया है प्लेटिंग के लिए। हम इसमें डालेंगे अपना फिटा हुआ हल्का सा मीठा दही। ये देखिए
लिया है हमने। अब हम इसे ऐड करेंगे। दही तो डालना बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि दही बल्लों में तो दही बहुत एसेंशियल है। अब हमने इसमें दही डाल दिया है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसमें अच्छे से दही डाल दिया है। एकदम बढ़िया से कोटिंग कर देनी है हमें दही की इसके ऊपर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी इमली की चटनी। फ्रेंड्स यकीन मानिए, बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही बढ़िया हमारी इमली की चटनी बनने के तैयार होगी। आप एक बार ज़रूर हमारी बताई गई रेसिपी से दही बल्लों को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी इमली की चटनी। अब हम इसमें ये भी ऐड करेंगे। इमली का चटनी का तो अपना अलग ही बहुत बढ़िया स्वाद होता है दही बल्लों में। खट्टी मीठी बस दही बल्लों का स्वाद बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस, बहुत ही बढ़िया कर देती है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम डालेंगे अपनी ग्रीन चटनी, जो थोड़ा तीखा फ्लेवर भी इसमें ऐड करेगी, क्योंकि दोनों मीठी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें ऐड कर दी अपनी हरी चटनी। फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। ये देखिए पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल मार्केट जैसे जैसे मिलते हैं ना मार्केट में बाजार पे, वैसे ही करने के लिए। इसे और भी कलरफुल टेम्पटिंग दिखाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एंड में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दही बल्लों में भी नमक है और चटनी में भी नमक है। इमली की चटनी में भी हमने सॉल्ट डाला था, तो थोड़ा सा बहुत नमक ऐड करा है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी टेम्पटिंग कलरफुल डिलीशियस दही बल्ले बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलती हूँ आपसे अपने एक और वीडियो के साथ।